ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जल्दी जल्दी आ जाएं सारे। तो अब देखें यहाँ पे कि मैंने ये पोस्ट जो है ना आसपास वाली, वो मैंने यहाँ रखनी है। ठीक है, आसपास वाली पोस्ट कहाँ रखनी है, इस जगह पे रखनी है। तो इस जगह पे मुझे एक रो में यहाँ पे देखें ना, एक ही पिक्चर अच्छी लग रही है या ज्यादा अच्छी लग रही है? ये एक पिक्चर अच्छी लग रही है, ठीक है ना, एक एक पोस्ट आ रही है। तो मैं भाई थोड़े बड़े हो जो, माइक बंद कर लिया करो। अच्छा देखें यहाँ पे, अब मैंने क्या करना है कि यहाँ पे एक रो में एक ही पिक्चर लगानी है। ठीक हो गया, एक रो में एक पिक्चर लगा दी। और इसी तरीके से टैबलेट के अंदर भी, मोबाइल के अंदर भी, टैबलेट में भी एक रो में एक पिक्चर आए, मोबाइल में भी एक रो में एक ही पिक्चर नजर आए। ठीक है, अगली चीज आ रही है कि शो थंबनेल एंड टेक्स्ट वर्टिकली। इसमें क्या होगा कि इसकी तस्वीर, यानी एक तो पिक्चर आएगी और पिक्चर से नीचे टेक्स्ट आएगा। तो हमें यहाँ पे ऐसा ही चाहिए कि पिक्चर आए और पिक्चर से नीचे टेक्स्ट आए। ठीक है, आगे देखें, नीचे ऑप्शन आ रहा है कि थंबनेल नजर आएगा, ठीक है, टाइटल नजर आएगा, ठीक है, टाइटल के नीचे टेक्स्ट भी नजर आएगा। यहाँ सिर्फ टाइटल आ रहा है, टेक्स्ट नहीं आ रहा, लिहाजा हम भी यहाँ हटा देते हैं। हमें टेक्स्ट के नीचे बस टाइटल चाहिए, टेक्स्ट नहीं चाहिए बाकी पोस्ट वाला। ठीक है, यहाँ देखें नीचे ऑप्शन आ रहा है कि इसकी हेडिंग क्या होगी, H4 होगी। H4 क्या है, ये हेडिंग का एक साइज है जो दरमियाना है। H1 ज्यादा बड़ा होता है, H2 थोड़ा छोटा, H3 और छोटा, H4 नॉर्मल साइज है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे H4 ही रख देते हैं। आगे यहाँ पे आ रहा है कि आपकी जो पिक्चर है उसका साइज कितना है, 300x300। हम इसे 150 भी कर सकते हैं और लार्ज भी कर सकते हैं, फिलहाल 300 रहने देते हैं, हम इसे चेक कर लेंगे। ठीक हो गया, और यहाँ आ रहा है कि अगर क्या कहते हैं इमेज वो हो, कि क्या कहते हैं, चले थंबनेल वर्डप्रेस ऐसा हो कि इमेज शो ना हो रही हो तो ना नजर आए। ठीक है, ये ऑप्शन है यहाँ पे। तो बहरहाल इसमें हमने फिलहाल इतना ही करना है, यहाँ मजीद कुछ नहीं करना। अच्छा यहाँ देखें सबसे नीचे वही ऑप्शन नजर आ रहा है कि आप क्या चाहते हैं कि ये पोस्ट इसी जगह पे ओपन हो जाए या नई वेबसाइट पे ओपन हो। यहाँ देखें मैं क्लिक करता हूँ, नया टैब ओपन हुआ या इसी में ओपन हो गई, इसी में ओपन होगी। ठीक है, नया टैब ओपन नहीं हुआ तो हम भी यही करेंगे कि नया टैब ओपन ना हो, इसी में ओपन हो जाए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहीं पे हम इसे यहाँ सेटिंग में आके इसे ऐसे रहने देते हैं और इसको हम इसको रहने देते हैं। ठीक है, ये सेटिंग करके मैंने इसको सेव किया। ये देखें यहाँ पे मैं इसे सेव के बटन पे सेव के बटन में मैंने क्लिक कर दिया, हालांकि मुझे अभी सेव नहीं करना था। एक चीज रह गई, ठीक है, क्या चीज रह गई कि टाइटल इसका नहीं दिया हमने। तो मैं अब इसका टाइटल देता हूँ। इसका टाइटल हमने देना है, क्या नाम था, आसपास। ठीक है ना, तो मैंने इसका टाइटल दे दिया आसपास, और अब मैंने इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद यहाँ मेरे पास एक आईडी आ गई, ये आईडी नजर आ रही है, ये आईडी मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी। और अब हम यहाँ आते हैं, यहाँ आने के बाद मैंने क्या करना है कि मैंने यहाँ आने के बाद इस जगह पे यहाँ सेलेक्ट करना है HTML। ये कोड हमारा HTML में था, यहाँ पे आपको कहीं HTML लिखा हुआ, ये देखें कस्टम HTML आ रहा है, इस पे क्लिक करें। और कस्टम HTML क्लिक करने के बाद सिंपल आपने यहाँ पे वो कोड पेस्ट कर देना है और डन कर देना है। और अब मैं इसे पब्लिश कर रहा हूँ। ये पब्लिश हो रही है, अब मैं इसको एक नए पेज में ओपन करके देख लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये ऊपर आया। ठीक है, ये देखें ये जो ऊपर था ये वैसा ही ऊपर है। ठीक है, ये हाइडर है, जबकि यहाँ नीचे से पोस्ट शुरू हुई है, 1 2 3 4 पोस्टें यहाँ पे नजर आ रही हैं, उन सबका टाइटल साथ आ रहा है। ठीक है, इन सब का, लेकिन दरम्यान में काफी फासला है, आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, हम दोबारा यहाँ आते हैं इसमें, और यहाँ आने के बाद एक तो यहाँ पे पिक्चर मुझे काफी छोटी लग रही है, ये नहीं ये वाली। ठीक है, मैं इस पिक्चर को जरा बड़ा करता हूँ। तो हम यहाँ आते हैं दोबारा इसके अंदर, और यहाँ आने के बाद क्या करेंगे कि हम डिस्प्ले सेटिंग में आने के बाद ये इसको हम, 300 भी छोटी हो रही है तो लार्ज तो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, या तो उसका साइज को वहां छोटा कर लेते हैं, हम ये कर सकते हैं, या एक काम और कर लेते हैं ना कि हमें यहाँ पे पिक्चर छोटी नजर आ रही है, हम ऐसा करते हैं कि हमारा टेक्स्ट भी साथ ही इसके लिखा हुआ आ जाए। तो यहाँ देखें मैं क्या करता हूँ कि यहीं आते हैं दोबारा। मैंने पहले यहाँ क्लिक किया हुआ था कि थंबनेल जो है, हमारी जो पिक्चर है उसके नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब मैं नीचे वाले पे क्लिक कर देता हूँ कि हमारे थंबनेल के साथ ही टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, इस पे क्लिक कर देते हैं, तो ये टेक्स्ट टूटे ना, टेक्स्ट पूरा पूरा नजर आना चाहिए, इसका यह मतलब है।
जबकि नीचे हम क्या करते हैं कि हम यहाँ आके इसे राइट कर देते हैं कि पिक्चर जो है वो राइट तरफ हो और उसके लेफ्ट में टेक्स्ट हो, और यहाँ शो कंटेंट पे क्लिक कर देते हैं तो थोड़ा सा कंटेंट भी साथ हो जाए, ठीक है, पोस्ट का कुछ हिस्सा भी साथ नजर आए। अब देखें यहाँ पे मैंने क्लिक किया ना शो कंटेंट पे, तो यहाँ आ रहा है कि आप कितना कंटेंट दिखाना चाहते हैं, 20 अल्फाज लिखे हुए नजर आएंगे। मैं इस 20 को 50 कर देता हूँ, ठीक है, और हम इसे अब सेव करते हैं, और सेव करने के बाद यहाँ आके इसे चेक करते हैं, तो ये देखें ये ऐसे आ रहा है, नजर आ रहा है आपको, ठीक है, ये यहाँ पे है, और ये काफी ज्यादा हो गया टेक्स्ट, यानी कि 50 अल्फाज ज्यादा है, तो मेरा ख्याल है 30 कर दें हम या 20 कर दें। नीचे रीड मोर लिखा हुआ आ रहा है, तो अब एक दफा और देख लें आप यहाँ पे, हम दोबारा यहीं आते हैं और यहाँ आते हैं डिस्प्ले सेटिंग में। इस दफा हम क्या करते हैं कि हम पिक्चर को लेफ्ट कर देते हैं और यहाँ आते हैं कंटेंट में आते हैं, 50 की जगह मैं इसको 25 कर देता हूँ, ठीक है, और ये देखें नीचे हमारे पास यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि मजीद रीड मोर मजीद, तो यहाँ मैं उर्दू, चूंकि मैं उर्दू में बना रहा हूँ तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मजीद पढ़े, ठीक है, सिंपल कि यहाँ मजीद पढ़े मैंने लिख दिया, और मैं अब इसको सेव कर लेता हूँ। अब आप यहाँ आए और यहाँ आप इसको चेक कीजिएगा, ठीक है, ये इधर पिक्चर आ गई, इस तरफ ये टेक्स्ट आ गया, यहाँ लिखा आ गया मजीद पढ़े, सब में आ रहा है ऐसे, समझ आ गई आपको, चार पोस्टें हैं ये और चार पोस्टों में इस तरीके से आ रहा है। और एक और चीज आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पे हम यहाँ आते हैं और यहाँ आने के बाद डिस्प्ले सेटिंग में, और यहाँ आने के बाद डिसेबल दिस फॉर्मेट ऑन स्मॉल स्क्रीन, अच्छा ये ऑप्शन अलग है कि अगर छोटी स्क्रीन होगी तो ये खत्म हो जाएगा ऑप्शन, तो ठीक है इसको हम इसी तरह रहने देते हैं। और ये ऑप्शन हमारे पास है शो मेटाफील्ड टेक्सोनॉमी आउटर डेट कमेंट, उसमें क्या होगा कि ये जो इस तरह यहाँ आ रहा होता है कि किस बंदे ने इसको वेब से इसको लगाया है, किस तारीख को ये अपलोड हुई है, ये सारा हम लगाना चाहते हैं, तो यहाँ आके इस पे क्लिक कर देते हैं। मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ, और क्लिक करने के बाद इसे हम सेव कर रहे हैं, तो यहाँ देखें अब यहाँ पे तारीख वगैरह आ जाएगी, ठीक है, ये सारा आ गया कि कैटेगरी कौन सी है, किस तारीख को पोस्ट अपलोड हुई है, ये सारी चीजें यहाँ पे आ गई, ठीक है, तो बहरहाल ये मुझे अच्छा नहीं लगा, कहाँ गए हम, यहाँ है। अच्छा जी, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, दोबारा पोस्ट इसमें आते हैं, यहाँ आने के बाद इसको यहाँ से हटा देते हैं, और ये ऑप्शन हमारे पास है कि HTML टैग्स यहाँ पे अलाउ होंगे, यानी इस वक्त ये टैग्स बिल्कुल जुड़ा हुआ है, अगर यहाँ बीच में कहीं स्पेस वगैरह आ रहा था तो फिर HTML पे क्लिक करेंगे तो वो स्पेस वगैरह वहां पे शो होगा, ठीक है। बहरहाल ये एक कैटेगरी हमारी होगी, फिलहाल इसको हम इसी तरीके से छोड़ देते हैं। हम ऊपर आते हैं, ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं, ये देखें ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं, हम इसे लीव करते हैं, अच्छा हम यहाँ पे एक अब बनाते हैं सफा अव्वल के नाम से या ताजा तरीन के नाम से, हम एक कैटेगरी बनाते हैं जो सबसे ऊपर रखते हैं हम, यानी हर नई पोस्ट में सबसे ऊपर आना होता है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपने एक कैटेगरी हमने बनाई है सफा अव्वल के नाम से, ठीक है ना, तो मैं इसका नाम सफा अव्वल रख देता हूँ, आप कभी इसका नाम ताजा तरीन भी रखते हैं, तो आपने हर नई पोस्ट को इस और बाकी कैटेगरीज में तो ऐड करना ही है, इसमें लाजमी ऐड करना है, ठीक है, तो मैंने सफा अव्वल के नाम से कैटेगरी बना ली, इसके अंदर भी हमने पोस्ट को क्लिक किया, नीचे आए और यहाँ आने के बाद हमने कैटेगरी कौन सी सिलेक्ट कर ली, वही सफा अव्वल के नाम से जो हमने कैटेगरी बनाई थी यहाँ पे, ये वाली, ठीक है, ये कैटेगरी सिलेक्ट कर ली हमने, और यहाँ सिलेक्ट करने के बाद हम डिस्प्ले सेटिंग में आए, इस दफा भी हमने यहाँ इसको ग्रिड रखा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब क्या करते हैं, एक तो यहाँ हमने 10, यहाँ 10 ठीक है, 10 पोस्टें बहुत है, या मैं इसे 12 कर देता हूँ, ठीक है, 12 पोस्टें कर दी हमने, और यहाँ आके एक रो में 4 पोस्टें कर देते हैं, ठीक हो गया, 4 पोस्टें एक रो में होगी, कुल 12 पोस्टें होगी, और इसके बाद अब हम क्या करते हैं कि हम नीचे आते हैं, ये वाला टैबलेट के लिए भी हम इसको यहाँ 3 कर देते हैं, और 3 3 6 3 9 3 12 हो जाएगी, और इसके लिए हम इसको 2 कर देते हैं मोबाइल के लिए, ठीक है, और इसमें यहाँ आके हम इसी को क्लिक करेंगे यहाँ पे और इस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, वही पुरानी सेटिंग है, यहाँ पिक्चर को हम राइट पे रखते हैं, राइट पे रखेंगे, टेक्स्ट इस तरफ आएगा उर्दू जिस तरह शो होती है, ठीक है, और पिक्चर का ये बाकी सेटिंग वही है, 20 अल्फाज की जगह हम यहाँ पे 40 अल्फाज करेंगे, ठीक है, और यहाँ आने के बाद हम इसे रीड मोर की जगह मजीद पढ़े, ठीक है भाई, सारी चीजें वही हैं, और इसे हम सेव करेंगे,
सेव करने के बाद अब हमने इसका कोड यहाँ से उठाना है, ये कोड मैंने इसका कॉपी किया और अब यहाँ आए, यहाँ आने के बाद यहाँ पे भी हमने HTML ऐड करना है, बल्कि मैं इसी की डुप्लीकेट ले लेता हूँ यहाँ पे, ये डुप्लीकेट उठा के यहाँ रख दी और इसे एडिट किया और इस कोड को मिटा के हमने नया कोड यहाँ पेस्ट कर दिया। इसे डन करके एक दफा फिर अपडेट करते हैं और यहाँ आके देखते हैं अब हमारी वेबसाइट का क्या हाल हुआ। चलें जी ये देखें, ठीक है ये इधर अलग आ गया और इधर अलग आ गया, ठीक हो गया। अच्छा एक चीज हमसे रह गई, वो ये कि हमने यहाँ लिखा ही नहीं आसपास, ना यहाँ लिखा के सादा तरीन है ना, हमसे एक चीज रह गई। हम दोबारा यहीं आते हैं, इधर आएंगे साइट ऑर्गेन के अंदर आते हैं और यहाँ आके हम जो एडिटर है इसका ये ले लेते हैं यहाँ पे, और इस एडिटर पे मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ बीच में लिख देते हैं आसपास, ठीक है आसपास, और इसको जरा सा वो कर लेते हैं। अभी चूंकि मैंने फाउंड वगैरह कुछ भी नहीं किए हुए तो इस वजह से ये ऐसे आ रहा है, ठीक है इसको हम यूं कर देते हैं। इसके डिजाइन में आते हैं, बैकग्राउंड कलर को हम ब्लैक कर देते हैं, ठीक है बैकग्राउंड कलर हमने ब्लैक कर दिया और बैकग्राउंड में इमेज नहीं लगाई, ठीक है। और बॉर्डर कलर को हम कर देते हैं वाइट और फाउंड कलर को हम कर देते हैं वाइट, ठीक है यहाँ से भी हम फाउंड कलर को वाइट करते हैं ये देखें, और इसे मैं डन कर देता हूँ। ये आ गया नीचे, इसको उठा के यहाँ ऊपर रखते हैं, इसकी मैं एक डुप्लीकेट लेता हूँ और इस डुप्लीकेट को यहाँ इसके ऊपर रखते हैं और यहाँ एडिट करके हमने क्या लिखना है, कहाँ गया? ओ भाई ये लिखा हुआ था, अच्छा व्हाइट रंग का लिखा हुआ था, यहाँ हम लिख देते हैं सफा अव्वल, ठीक है और इसे डन करके एक दफा फिर अपडेट करते हैं और अब यहाँ आते हैं और इसे चेक कर लेते हैं। अपडेट हुआ ये अपडेट नहीं हुआ अभी तक, अपडेट हो जाइए, अपडेट हो गया, ठीक है भाई सफा अव्वल यहाँ आ गया, आसपास यहाँ आ गया। अगर आप इसको राइट सिम में लेके जाना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ आराम से इधर आके एडिट में आएंगे, एडिट में आके आप इसको, ये टेक्स्ट है आपका, इसको आप यहाँ राइट सिम में लेकर आ जाएं, ठीक है। इसको आप बड़ा करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से बड़ा कर दें, समझ आ गई आपको। बाकी अलाइनमेंट का मसला है तो आप यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट जो है यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ अलाइनमेंट में आने के बाद इसका मार्जिन बिल्कुल 0-0 कर दें, 0 पिक्सल कर देता हूँ मैं, 1 पिक्सल 0 फीसद, और पेंडिंग भी 0 कर दें, ठीक है और इसे डन कर दें और अपडेट कर लेते हैं इसको। अब देख लें, ठीक है इसका भी, अब जब इसका मार्जिन भी 0-0 कर देंगे तो ये ऊपर आ जाएगा ये भी, ठीक है। अच्छा जी तो ये मैंने सिर्फ दो बनाई है, एक आसपास बना दी, एक सफा अव्वल बना दी। अब आपने क्या करना है कि आपने 1 2 3 4 5 पोस्टें, चूंकि इसमें लगी 5 पोस्टें, हमने जगह 12 की बनाई है, ठीक है। आप लोगों ने अब आगे क्या करना है कि आपने मजीद कैटेगरी यहाँ ऐड करनी है, तो आप इंशाल्लाह उम्मीद है आराम से कर लेंगे, कोई मसला नहीं होगा आपको। यानी ये वाला जो कंटेंट व्यू वाला जो प्लगइन था ये आपको आ गया ना अच्छे तरीके से? सर उर्दू फॉन्ट भी इंस्टॉल कर दें ताकि डिस्प्ले अच्छा हो और इंस्टॉलेशन का पता चल जाए, पिक वार्प चेंज कर लें और कर्सर स्लाइडर का आइकन दिखा दें, वो भी मैं दिखा देता हूँ भाई, ठीक है चलें फिर कर्सर स्लाइडर, मैं ख्याल है फाउंड हम कर लेंगे, या आपको फाउंड का जो क्या कहते हैं नासिर है जो भी है क्या कहते हैं वो आपको दे देंगे, उसमें लिंक दे दें, ठीक है आपको लिंक दे दें, ये नासिर कह रहे हैं ना डब्ल्यूपी उर्दू जबरदस्त है, तो आप वो वाला कर लीजिए जो इन्होंने बताया है, प्लग इन कर ले आप, ज्यादा मुश्किल नहीं है, हम ये वाला पढ़ लेते हैं, ठीक है कवर कर लेते हैं। तो अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पे कुछ पोस्टें यहाँ लग गई है, ठीक है और यहाँ पे भी कुछ पोस्टें लग गई है, मजीद आप पोस्टें लगाना चाहते हैं। एक चीज और देख लें, यहाँ पे मैं एक इसमें ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ, एक और बना रहा हूँ, आवाज आ रही है, कब से नहीं आ रही थी? अच्छा बस ठीक है आवाज आ रही है आप सबको मेरी, तो
यहाँ देखें एक चीज मैंने आपको और दिखानी थी, हम एक नई कैटेगरी यहाँ ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे इसका मैं नाम रख देता हूँ पाकिस्तान, ठीक है, या मुझे यहाँ इसका नाम रख देना चाहिए खेल। मैंने इसका नाम रख दिया खेल, और यहाँ पे आके कैटेगरी में खेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। जरा जल्दी जल्दी से करते हैं, ठीक है। अब यहाँ आके डिस्प्ले सेटिंग में हमने पहले गिड किया था, अब गिड की जगह हम यहाँ पे कर रहे हैं कोलेप्सिबल लिस्ट, ठीक है। कोलेप्सिबल लिस्ट पे मैंने क्लिक कर दिया, और यहाँ आ रहा है ओपन द फर्स्ट आइटम बाय डिफॉल्ट। इसको अगर आप बंद कर दें तब भी कोई मसला नहीं, इसको हमने बंद कर दिया यहाँ पे। और ये नजर कैसे आएगी, इसको हम यूं दिखाना चाहते हैं, जो सेटिंग पहले थी वही है, ठीक है। और यहाँ आके मैं क्या करता हूँ, बाकी सब चीजें वैसे रहने देता हूँ, और यहाँ आके इसे सेव कर लेता हूँ, ठीक है। सर फिर अब मैं, थोड़ा आराम से बताएं। जी, यानी मैंने इन सेटिंग में से सिर्फ एक चीज तब्दील की है, वो ये कि ग्रिड की जगह कोलेप्सिबल लिस्ट बना दी है, ठीक है। कोलेप्सिबल लिस्ट बनाने का क्या हो रहा है, अब हो क्या रहा है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। कि मैं यहाँ आया, इसे मैंने कॉपी किया कोड को, दोबारा एडिट में आए। एडिट में आने के बाद मैं इस दफा एक नई रो ले लेता हूँ, एक सिंपल रो लिया मैंने नई, और इसको यहाँ नीचे आके इसमें वही HTML को ऐड करूंगा मैं, ठीक है, यहाँ नीचे लेकर आ गए। और इसके अंदर मैंने अब जो कैटेगरी बनाई थी वो यहाँ पे अपलोड करने लगा हूँ, ठीक हो गया, इसे डन कर दिया। ऐसे अपडेट कर लेते हैं हम, और अब यहाँ आते हैं, इसके नीचे आएगी वो, ठीक है ना। ये चार हमने लगाए हुए थे, इन्हें मेरे ख्याल है हमें तीन कर देना चाहिए, या इसका टेक्स्ट जो है वो हमें कम करना चाहिए। तो अब मैं यहाँ आता हूँ और इसको हम रीलोड करें, ये देखें ये पोस्ट आ गई, कोलेप्सिबल है। मतलब क्या है कि आप इस पे क्लिक करेंगे तो पोस्ट नजर आएगी, क्लिक कर देंगे तो सिर्फ नाम नजर आ रहा है, यानी सिर्फ पोस्टों के नाम नजर आ रहे हैं। जब आप क्लिक करते हैं तो पोस्ट ओपन होगी, जब आप क्लिक कर देंगे पोस्ट खत्म हो जाएगी, ठीक है, ये चीज है। तो ये भी यहाँ पे देखें आप, ये आ रही है यहाँ पे खबरें, ये आ रही है, ये सिर्फ नाम आ रहे हैं ना, इन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, पोस्ट पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे भी ये ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, कि सिर्फ ये आ रहा है। और तीसरी और आखिरी चीज इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास आखिरी चीज ये है कि मैं दोबारा एक दफा एड पे क्लिक करता हूँ, और इस दफा हम साइंस की कैटेगरी बना लेते हैं। मैंने बना ही लिया पूरा पेज, देख लो यार। अच्छा जी, यहाँ साइंस लिख लेते हैं हम, और यहाँ कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं साइंस, और साइंस सिलेक्ट करने के बाद डिस्प्ले में आके अब हम यहाँ पे स्क्रोलेबल लिस्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और बाकी सेटिंग को हम फिलहाल नहीं छेड़ते, बाकी चीजें वैसी रहे, और हम इसे सेव कर लेते हैं। इसको भी दोबारा कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद हम यहाँ आते हैं, इस जगह पे आते हैं, नहीं इधर आएंगे, और यहीं मैं इसी के नीचे इसको ऐड कर लेता हूँ, और एडिट के बटन पे क्लिक किया, इसको हटा दिया, दोनों कॉपी हो गए, एक मिनट, इसको हमने पेस्ट किया, डन कर दिया, और इसे अब अपडेट करते हैं। इससे अपलोड करते हैं, ये देखें पहली पोस्ट यहाँ तक ये थी, ये देखें अब ये पोस्ट इस तरीके से आ रही है, यानी एक बड़ी पिक्चर आ रही है, फुल बड़ी शो हो रही है स्लाइडर की तरह, और नीचे यहाँ पोस्टें शो हो रही हैं, ये वाली ये वाली ये वाली, ठीक है, हमारा स्लाइडर पूरा शो हो रहा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ आएंगे, और यहाँ आने के बाद डिस्प्ले सेटिंग में आके इसको खत्म करके इस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, ताकि टेक्स्ट जो है हमारा दाएं, लेकिन इसमें ऑप्शन ही नहीं आ रहा। तो हम क्या करते हैं, थंबनेल को खत्म कर देते हैं इसमें, ठीक है, पिक्चर ही खत्म कर देते हैं हम, और टाइटल होगा, कंटेंट हो गया, और इसे मैं सेव करता हूँ, और अब चेक कर लेते हैं पिक्चर, वो लग रही ना बहुत बड़ी, ये देखें ये इस तरह पोस्ट आ रही है, एक एक ये पोस्ट आ रही है, और इस पे आप क्लिक करते रहेंगे, नई पोस्ट आती रहेगी, समझ आ रही है आपको, ऐसे जितनी पोस्टें आपने दी होंगी उतनी आती रहेंगी। तो ये हमने कंटेंट व्यू पढ़ा, और इसके जरिए हमने क्या बनाना है, एक ऐसी वेबसाइट बनानी है जैसी ये आपको शो हो रही है, ठीक है भाई। तो कल फिर BBC बना लेंगे आप लोग।
क्या ख्याल है बीबीसी की यहाँ से खबरें उठा उठा के लगाएं 10, मेरी तरह नहीं करना कि एक ही पोस्ट को सारे कैटेगरी में कर दिया है। मेरी तो हर जगह एक ही पोस्ट शो हो रही है, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, आपकी हर जगह यानी यहाँ अलग पोस्टें शो हो, यहाँ अलग हो, यहाँ नीचे अलग पोस्टें शो हो, यहाँ अलग शो हो, ठीक है, तो कैटेगरी बना लें सारी। क्या ख्याल है, काम करें अल्लाह के बंदो, काम करो ताकि मुझे नजर आए कोई वेबसाइट, ताकि हम और मजीद आगे बढ़ सकें, ठीक है। अभी बहुत सारा कुछ रहता है यहाँ पे, तो करते रहो, ऐसा ना हो सर मुझे कहते हैं मैं क्लास खत्म करनी पड़ जाए, मुझे हो सकता है मैं क्लास हमें बीच में छुट्टी करनी पड़ जाए क्योंकि सर मुझे कह रहे हैं कि वहाँ ऑनलाइन पढ़ाओ। सर के पास जो स्टूडेंट आए हुए उनको मैंने पढ़ाना है, तो अगर ऐसा हुआ तो मुझे छुट्टी करनी पड़ जाएगी। इसलिए आप लोग कम से कम इतना सीखें कि आप एक महीना भी प्रैक्टिस करते रहें तो खत्म ना हो प्रैक्टिस आपकी, ठीक है, और वेबसाइट बनी हो आपकी। तो आप लोगों ने अब दो काम करने हैं, एक तो न्यूज वेबसाइट बनानी है जैसे कि ये है, दूसरा आप सबने अपना जाती ब्लॉग बनाना है, ठीक है, अपने नाम से, और उसके अंदर आपने कैटेगरीज ऐड करनी है, मेरी पसंदीदा नज़मे, मेरी पसंदीदा क्या कहते हैं तहरीरें, इसी तरीके से इस्लामियात के हवाले से आपकी पसंदीदा अदबियात, इस तरह का ना कुछ भी हो आपके मुतालिक हो। आप अगर ग्राफिक डिजाइनिंग आप सीख रहे तो आप उसमें एक कैटेगरी बनाए वर्डप्रेस के नाम से, उसके अंदर आपको जो वीडियोस अच्छी लग रही हैं वर्डप्रेस के हवाले से, पोस्टें अच्छी लग रही हैं आप वो लगाएं उसके अंदर, यूट्यूब का लिंक लगाएं, आपको लगाना आता है, ठीक है, तो आप वो लगाएं उसके अंदर। इसी तरीके से अगर आपने ग्राफिक सीखा हुआ है, आप ग्राफिक की कैटेगरी बनाएं वो लगाएं उसके अंदर, ठीक है। या अगर आप लोगों ने नहीं करना, मेरे लिए बनाते हैं एक वेबसाइट, मैंने तो एक वेबसाइट मुझे चाहिए ही, तो उसपे ये करना है कि ऊपर नाम होगा, नीचे यहाँ कैटेगरीज के अंदर क्या होगा कि एक तो होम पेज होगा, कैटेगरीज के अंदर ग्राफिक्स की कैटेगरी होगी, वर्डप्रेस की कैटेगरी होगी, सॉफ्टवेयर की कैटेगरी होगी, ठीक है, और इसके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स की एक कैटेगरी बनानी है आपने, समझ आ गई आपको, और ग्राफिक्स हो गई, वर्डप्रेस हो गया, वेब डिजाइनिंग हो गई, चले इतनी बना दें आप मेरे लिए, बाकी मैं खुद ही बना लूंगा। उसामा भाई के पास वक्त है, असल में ये हुआ था कि मेरे पास वीडियो जो है ना वो ऑटो अपलोड होती है, उस दिन मैं क्लास में आपको पढ़ा रहा था तो मैंने उसको ऑटो अपलोडिंग रोक दी थी कि हमारा नेट उधर इस्तेमाल हो रहा है, तो वो रुकी रही, मैंने आज इसको ओपन किया, अब खुद ब खुद अपलोड हो जाएंगी, तो इंशाल्लाह आज या कल सुबह आपको ये सारी आज की वीडियो भी मिल जाएगी और पिछले 2 दिन की वीडियो भी मिल जाएगी। बुक कैसे ऐड करते हैं, वो कर दें, ये लें भाई, जो हजार छुट्टी करके जाना चाहे वो करके जा सकते हैं, लेकिन बुक कैसे ऐड करते हैं मैं ये बता दूं कि अव्वल तो हमें बुक ऐड कहाँ करनी है, मैंने आपको बताया था मीडिया फायर में करनी है, मेरे पास मीडिया फायर में बुक ऐड हुई हुई है, यहाँ मैं देखता हूँ, या आपने मीडिया फायर पे बुक ऐड करने का तरीका सीखना है। कौन भाई है यार, मीडिया फायर पे बुक ऐड करनी आती है आपको, न्यूज वेबसाइट बनानी है, जी बिल्कुल, आपने सबसे पहले न्यूज वेबसाइट बनानी है, अच्छा ये देखें, ये मीडिया फाइल मैंने ओपन कर दिया, मुझे अगर मीडिया फाइल में बुक अपलोड करनी है अपने कंप्यूटर से, मोबाइल से, कंप्यूटर से, तो उसका आसान तरीका ये है कि मेरे कंप्यूटर में जहाँ बुक पड़ी हुई है मिसाल के तौर पे, ये बुक पड़ी हुई है, ठीक है, ये बुक पड़ी हुई है, मैं इसे यहाँ से उठाऊंगा, इधर लेकर आऊंगा, यहाँ लाके जो फोल्डर है मैं यहाँ इसको अहादीस वाले फोल्डर में रख देता हूँ, ठीक है, तो यहां देखें मेरे पास ये खुद ब खुद अपलोड हो जाएगी। रिपीट कर दें कि मीडिया पे ऐसे होगा और बुक पे कैसे, वालेकुम सलाम जी, हाँ ठीक है मैं लगा दूंगा, ठीक है चलो। मीडिया फायर पे बुक अपलोड करने का बता रहा हूँ लगे बंदे, ये देखो ना यहाँ मेरे पास यहाँ पे भी किताब पड़ी है, देखें आपके पास एक फोल्डर में 50 किताबें हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप 50 किताबें एक साथ अपलोड करें या उन्हें विनरार करके करें, आप क्या करें मैं बताता हूँ, आपने सिंपल ये करना है कि यहाँ एक फोल्डर बनाना है, ये देखें ये माई फाइल है, ठीक है, सिंपल ये मेरा मीडिया फायर का अकाउंट बना हुआ है, खुला हुआ है ये, मुझे यहाँ क्या करना है, मुझे यहाँ एक फोल्डर बनाना है अपने बुक्स की कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है, तो फोल्डर कैसे बनाएंगे हम यहाँ पे, ये देखें ये बटन 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 बना हुआ है, ठीक है, क्रिएट अ न्यू फोल्डर, इस पे क्लिक करें, मैं यहाँ पे बना देता हूं,
मैं यहाँ एक फोल्डर बना रहा हूँ किताबें, ठीक है, इसी किताबें के नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया और इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ मेरे पास एक किताबें नाम से फोल्डर आ गया, इस लिस्ट में भी सबसे नीचे आ गया। अब अगर मैंने यहाँ से 10 किताबें डालनी है, 20 डालनी है, जितनी डालनी है मैं सारी सिलेक्ट करूंगा, जैसे मैं यहाँ सिलेक्ट कर रहा हूँ उनसे, ठीक है। ये किताबें मैंने सिलेक्ट कर ली यहाँ पे, अब ये किताबें सिलेक्ट करके मैं यहाँ से इन्हें पकड़ूंगा, माउस का बटन दबा के रखूंगा, यहाँ लेकर आऊंगा, ये किताबों वाला फोल्डर है ये यहाँ पे शो हो रहा है, इस फोल्डर के ऊपर रख दूंगा, ठीक है। अब इस फोल्डर में किताबें अपलोड होना शुरू हो जाएंगी खुद ब खुद। अपलोड नहीं हो रही, शायद दोबारा रख देता हूँ, शायद से रखी नहीं है। देखें यहाँ लेकर आता हूँ और ये लाके मैंने ये रखा, ये रख दिया यहाँ पे, यहाँ नीचे लिखा हुआ आ रहा है वेटिंग फॉर, ठीक है। ये आ गया मेरे पास ऑप्शन, ये किताबें ये एक एक करके ये सारी अपलोड हो जाएंगी, ठीक है। 6 MB की है, एक 8 MB की, 13 MB की, 18 MB की, 56 MB की पिक्चर क्यों आ रही है भाई। अच्छा ये देखें यहाँ पे ये अपलोड हो रही है बड़ी तेजी के साथ, ये देखें कंप्लीट हो गया। अच्छा ये कंप्लीट हो रहा है तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कॉपी लिंक का, नजर आ रहा है आपको, कॉपी लिंक और शेयर का ऑप्शन आ रहा है। अभी अपलोड नहीं हुए लेकिन लिंक पहले आ रहा है, मैंने लिंक देना है, मैं यहाँ कॉपी लिंक पे क्लिक करूंगा, कॉपी लिंक पे मैंने क्लिक कर लिया, लिंक मेरे पास कॉपी हो चुका है, ठीक है। या हम क्या करते हैं कि यहाँ मेरे पास बुक पड़ी हुई है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये मेरे पास बुक पड़ी हुई है, ये बुक पड़ी है, इस पे राइट क्लिक करेंगे और ये कॉपी लिंक का ऑप्शन आ रहा है, कॉपी लिंक पे क्लिक कर देंगे, लिंक कॉपी हो गया। अब मैंने जहां पे लगानी है, तो मैं मिसाल के तौर पे यहीं पे एक पिक्चर लगानी है, मैं यहाँ पे पहले एक रो ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने रो ऐड कर ली और इस रो के अंदर मैं यहाँ ऐड करता हूँ एडिटर, ठीक है। ये मैंने एडिटर ऐड कर लिया, ये देखें यहाँ टाइटल लिख देता हूँ किताब में, यहां मैं लिखता हूं किताब डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें, ठीक है। मैं लिख दिया किताब डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें। अब इस पूरे हिस्से को मैं सिलेक्ट करूंगा, ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा है लिंक का, ठीक है। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं तफसील से, यहां मैंने इसे क्लिक किया, ये यहां आ गया, इस पे यहां आप लिंक ऑप्शन पे क्लिक कर लें, यहाँ आपने URL देना है, वो जो लिंक मैंने वहां कॉपी किया था मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। और ओपन लिंक इन न्यू टैब पे मैं क्लिक कर दिया यहाँ पे, और ऐड लिंक पे मैंने क्लिक किया, ये लिंक आ गया इस पूरे पे। अब मैं इसे डन कर देता हूँ और इसे अपडेट करता हूँ, यहाँ देखें ये अपडेट हो जाए, जरा ये अपडेट हो गया। यहां आते हैं, इस पे मैं इसे एक दफा रीलोड कर रहा हूं, ये देखें ये लिखा है किताबें, किताब डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें, इसी तहरीर के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और हम यहां पहुंच गए, ये डाउनलोड का बटन है, इस पर क्लिक करें किताब डाउनलोड हो जाएगी, समझ आई आपको। ये देखें डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे किताब डाउनलोड हो जाएगी, ये ले मैं क्लिक कर देता हूँ इस पर, वो वहां डाउनलोड होगी, ये देखें किताब नीचे डाउनलोड हो गई, ठीक है। यही काम हमने जो यहाँ पे ये क्लिक किया है मैंने, यहाँ पे देखें यहाँ आता हूं मैं और यहाँ आते हैं साइट के अंदर आते हैं, ये देखें हमारे पास बटन का ऑप्शन मौजूद है, ये देखें बटन बना हुआ है, बटन इस पे क्लिक करें आप, और ऊपर आपने टाइटल देना है, नीचे डिस्क उसका URL दे देना है, यहाँ मैंने URL दे दिया और यहाँ मैंने इसका टाइटल दे दिया किताब, ठीक है। और इसका यानी अलाइनमेंट वगैरह सेट करनी है, वैसे हम और भी पढ़ेंगे, सेंटर कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। और ये मैंने एक बटन बना दिया, ओपन न्यू टैब पे क्लिक कर दिया और डन कर दिया, फिर अपडेट कर दिया मैंने, और अब देखें आप यहाँ एक बटन बना हुआ आ जाएगा, हाँ भाई समझ आ रहा है। ये देखें ये बटन बना हुआ आ गया, ये किताब लिखा हुआ है बटन है, इस पे आप क्लिक करेंगे आप सीधा डाउनलोड लिंक पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, समझ आ गई भाई। आगे साइट पे नहीं होती, साइट पे ऐसे होगी, माजिद आपको समझ आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पिक्चर अपलोड डाउनलोड करनी है, बाकी आप देखें यहाँ पे आए, सिंपल सा मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ,
यहाँ लिखते हैं डाउनलोड, DOWNLOAD, डाउनलोड बटन। ठीक है, डाउनलोड बटन PNG पे मैंने क्लिक किया, ये हमारे पास कुछ बटन बने हुए आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं आपको। ठीक है, ये बटन है नहीं, ये बटन ठीक नहीं है। ये बटन है, इसको मैंने यहां से डाउनलोड किया। ठीक है, दोबारा इधर आते हैं, इस जगह देखें, यहाँ पे मैंने लिखा था ना किताब डाउनलोड करने के लिए, यहाँ क्लिक करें। अब देखें मैं क्या करता हूँ, यहाँ इसको मैं इसका लिंक हटा देता हूँ, इससे हटा दिया। ठीक है, लिखा किताब डाउनलोड करने के लिए, यहाँ इधर क्लिक किया मैंने, इसके शुरू में हम क्लिक कर देते। ठीक है, और ये देखें ऐड मीडिया का बटन है, इस पर क्लिक करें और यहाँ आके आप इस फाइल को मीडिया लाइब्रेरी में डाल दें। जो बटन अभी हमने डाउनलोड किया था वो बटन हमने यहाँ डाल दिया, इसे इंसर्ट किया। ठीक है, देखें यहाँ पे बल्ब अभी बटन आ जाएगा, ये बटन आ गया। ठीक है, साइज छोटा कर लेते हैं इसका और इसको सेट कर लेते हैं। अब इस बटन पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ बटन, अब हम इस बटन पे लिंक लगा देते हैं, ये देखें। ठीक है, बटन के ऊपर हमने लिंक लगा दिया, इसे डन कर दिया और अब देखें यहाँ पे इसे अपडेट कर लेते हैं। ये बटन बना हुआ आ गया, देखें किताब डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें, नीचे डाउनलोड लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे किताब डाउनलोड हो जाएगी, डाउनलोड बंद कर। ठीक है भाई, समझ आ गया जी आपके डाउट सर, अच्छे तरीके से। चलें, तो छुट्टी करें आप लोग और होमवर्क करें, अच्छे तरीके से होमवर्क करें। ठीक है, और कुछ मैं बेहतरीन किस्म की वेबसाइट बना के दिखाएं मुझे, ताकि मुझे भी कुछ तसल्ली हो कि मैं अपनी वेबसाइट पे डायरेक्टली अपलोड हो सकती। क्या चीज बुक किताबें मैंने कही बुक डायरेक्टली भाई, जी बिल्कुल डायरेक्ट हो सकती है, लेकिन मसला ये है कि आप अपनी वेबसाइट पे करेंगे तो वो आपके सर्वर पे जाएंगी। ठीक है, एक तो वो भारी हो जाएगा, सर्वर भारी हो जाएगा, दूसरा लोडिंग में जी मसला होगा। ठीक है, इसीलिए जी हम सिर्फ मैं नहीं, आप कभी आप ये देखें, ये जो आपको शेप नजर आ रही है, अक्सर जगह आप डाउनलोड करते हैं तो जी यही आता है, क्योंकि सारे लोग यहीं से करते हैं और ये वेबसाइट बनी जी खास इस मकसद के लिए। यानी अगर हम अपने उस पर डालेंगे ना, तो उस पर अपलोड करने में, डाउनलोड करने में ज्यादा टाइम लगेगा, इस पर जल्दी फास्ट डाउनलोडिंग हो जाती है। ठीक है, ये खास वेबसाइट है इन्हीं ठीक मकासद है। के लिए। तो जो गूगल ड्राइव है जी, वो भी यही चीज़ है। गूगल ड्राइव भी ये चीज है, ठीक है लेकिन गूगल ड्राइव हमारे पर्सनल डेटा के लिए होती है। इसमें ना मीडिया फाइल में पता है क्या ठीक फायदा है, इसमें डेटा बहुत जल्दी अपलोड होता है, और आप देखें अभी अपलोड हो रहा था तो उसने मुझे जी लिंक दे दिया। ठीक है ना, डेटा ये देखें जी अपलोड अभी भी हो रहा है, लेकिन अभी अपलोड हुआ नहीं है, लिंक हमें पहले मिल जाता है, इसका ये फायदा है। ठीक सही है, ये इस मकसद के लिए बनाया गया है, तो बिल्कुल मीडिया फायर ज्यादा चलता है। ठीक हो गया, तो अपना ख्याल रखें, जी, छुट्टी करें। बहुत अल्लाह शुक्रिया। हाफिज, अल्लाह हाफिज, सलाम वालेकुम।